सुनिए कि क्या सीरत और सूरत, क्या सीरत और सूरत दोनों का एक मूरत हो सकता है? क्या सीरत और सूरत दोनों का एक मूरत हो सकता है? क्या खरमास के महीने में भी शुभ मुहूर्त हो सकता है? ये जो क्या सीरत और सूरत दोनों का एक मूरत हो सकता है, क्या खरमास के महीने में भी शुभ मुहूर्त हो सकता है? ये जो मैं देख रहा हूँ हकीकत है या है ख्वाब कोई, क्या कोई सच में इतना खूबसूरत हो सकता है? मेरा अगला शायर ये कि रानी पद्मावती सीना सही ऐसी उसकी मूरत हो, महाराष्ट्र की मुंबई नहीं कम से कम गुजरात का सूरत हो। मैं नहीं कि रानी पद्मावती सीना सही ऐसी उसकी मूरत हो, महाराष्ट्र की मुंबई नहीं कम से कम गुजरात का सूरत हो। मैं नहीं जानता कौन सुंदर लोग हैं या सुंदरता का मानक क्या है, मेरे हिसाब से वही सुंदर है जो तुम्हारे जितना खूबसूरत हो। शुक्रिया शुक्रिया। एक बारी और शायरी है टू रिलीजन, मैंने लिखा है, मैंने बहुत करीब से देखा है किसी को टू रिलीजन में फंसते हुए, तो मैंने लिखा था उस पर, उसका शीर्षक है कहानी का, वो बुक में भी है वो शायरी। वो शायरी है कि बहुत प्यार करते थे उससे वो मेरी जान थी, बहुत प्यार करते थे उससे वो मेरी जान थी, हम एक न हो सके, हम हिंदू थे वो मुसलमान थी। बहुत प्यार करते थे उससे वो मेरी जान थी, हम एक ना हो सके, मैं हिंदू था और मुसलमान थी, जी करता कहीं दूर चला जाऊं लेकर उसे इन धर्म के ठेकेदारों से, मैं अपने मम्मी पापा को और वो अपने अब्बू अम्मी को लेकर परेशान थी। इसका अगला बंद सुनिएगा कि उस दौर की नफरत से कहाँ कोई अनजान था, उस दौर की नफरत से कहाँ कोई अनजान था, तथा कथित हिंदुत्व की लहर में हर धर्म निरपेक्ष परेशान था, मेरे जैसे न जाने कितने राहुल अपनी सकीना से मिल न पाए होंगे, कुछ ऐसा उस दौर का हिंदुस्तान था। आज भी जब हम अकेले में छत पर चाय पी रहे होते हैं, आज भी जब हम अकेले में छत पर चाय पी रहे होते हैं, ख्वाबों की दुनिया में हम और वो साथ होते हैं, अब होगी वो तुलसी किसी और की आंगन की, ख्वाबों की दुनिया में हम आज भी साथ सोते हैं। नूर देखकर चेहरे का, नूर देखकर चेहरे का कोई मदहोश न हो जाए, नूर देखकर चेहरे का कोई मदहोश न हो जाए, आज से आदत नहीं करीब से खूबसूरती देखने की, तुम्हें देखकर कहीं बेहोश न हो जाए। एक और है कि तुझे चाहने के लिए, तुझे चाहने के लिए तेरी हाँ जरूरी थोड़ी है, तुझे चाहने के लिए तेरी हाँ जरूरी थोड़ी है, मेरे जितना इश्क तुम भी करो ऐसी कोई मजबूरी थोड़ी है, मैं डूब चुका हूँ तुम्हारे इश्क की गहराई में, तुम भी मेरे अंदर डूब जाओ ये जरूरी थोड़ी है। एक और शायरी, कोई रात कोई ख्वाबों में आया था, पता नहीं कौन आया था, और वो कन्फर्म कर रहा है लड़का कि किसी लड़की से कि तुम वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं जो कल रात मेरे ख्वाबों में आई थी, तुम वही तो नहीं जो कल रात मेरे ख्वाबों में आई थी, कुछ देर मेरे पास बैठी फिर अपनी पायल खनकाई थी, तुम्हारे पायल की खनक से मेरी नींद करीब करीब टूट चुकी थी, तुम्हारे पायल की खनक से मेरी नींद करीब करीब टूट चुकी थी, तुम वही तो नहीं जो फिर से थपकी दे देकर सुलाई थी। कि तेरी हर एक परेशानी का हल लिख दूं क्या, तेरी हर एक परेशानी का हल लिख दूं क्या, तेरे साथ आने वाला अपना हर एक कल लिख दूं क्या, तेरा होठ, तेरा चेहरा, तेरी आंखें, सब कुछ तो खूबसूरत है, तेरे ऊपर एक गज़ल लिख दूं क्या। एक और शायरी है कि न जाने तुम क्यों इतना मगरूर हो, न जाने तुम क्यों इतना मगरूर हो, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ तुम मुझसे दूर हो, सारी रात सोचता रहा तो ये जवाब मिला, मैं चांदी भी नहीं और तुम को ही नूर हो। प्यार बहुत है तुमसे जताएं तभी, प्यार बहुत है तुमसे जताएं तभी, इन आँखों में देख लिया करो बताएं तभी, मैं हर रोज़ तुमको अपनी शहर के चांद में देख लेता हूँ, इतनी दूर तुमसे मिलने आए तभी।
और शायर ये कि हसरत है तुम्हें पाने की ऐसे कैसे भुला दें, हसरत है तुम्हें पाने की ऐसे कैसे भुला दें, कुछ कुछ ख्वाब जगे हैं दिल में ऐसे कैसे सुला दें, कि हसरत है तुम्हें पाने की ऐसे कैसे भुला दें, कुछ ख्वाब जगे हैं सीने में ऐसे कैसे सुला दें, इतने दिनों में मैंने तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं तो जगह बनाई होगी, सच बताना चाय पीते समय कभी न कभी तो मेरी याद आई होगी। कौर है कि तेरे जाने के बाद तेरे लिए फरियाद कर लेंगे, तेरे जाने के बाद तेरे लिए फरियाद कर लेंगे, भूल तो सकता नहीं तुम्हें खैर कभी कभी याद कर लेंगे, मुझे एक मौका तो दे खुद को साबित करने का, साबित नहीं कर सका तो तुझे खुद ब खुद आज़ाद कर देंगे। मासूमियत उसके चेहरे की चेहरे से नज़र हटाने नहीं देती, कि मासूमियत उसके चेहरे की चेहरे से नज़र हटाने नहीं देती, जब मिलने जाता हूँ उससे नूर चेहरे का वापस आने नहीं देती, जी करता है उसकी बिखरी जुल्फों को सवार दूँ, वो पागल अपनी बिखरी जुल्फे सजाने नहीं देती। एक और है कि करीबी रिश्तों की एक एहसास सी लगती है, दूर रह कर भी वो मुझे पास सी लगती है, करीबी रिश्तों की एक एहसास सी लगती है, दूर रह कर भी मुझे पास सी लगती है, बहुत कुछ तो नहीं जानता उसके बारे में, वो एक अजनबी लड़की बहुत ख़ास सी लगती है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं सर सबको डेडिकेटेड है शायरी है कि मेरे हर एक सवाल का जवाब हो तुम, मेरे हर एक सवाल का जवाब हो तुम, रात दिन जो लिख रहा हूँ वो किताब हो तुम, और कितनी तारीफ करूँ तुम्हारी खूबसूरती की, सुबह सुबह खिलने वाली लाल गुलाब हो तुम। शुक्रिया।